अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे। अभी वक्त हो रहा है 2:30 और आज हमारे घर पे फिर से हमारे एक और फ्रेंड आ रहे हैं दावत पे, तो इसलिए अभी चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें स्टार्ट करते बनाना। तो देखते हैं आज क्या क्या बनने वाला है। फाइनली मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ चॉकलेट खजूर। और चॉकलेट खजूर के लिए मैंने चॉकलेट पहले से मेल करके रख लिया है, और खजूर को अच्छे से कट करके मैंने बीज निकाल लिया, और बीज में मैंने क्रीम फिल किया है। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो लाइक काजू, किशमिश। और अच्छे तरीके से जब कोट कर ले तो उसे थोड़ा सा, आपके पास अगर नारियल का अगर पाउडर है तो वो ऐड कर दे, अदरवाइज़ बादाम को थोड़ा सा आप घिस लें ताकि वो अच्छे तरीके से पाउडर टाइप का हो जाए। आप ऊपर से अच्छे तरीके से डाल दें और 5 to 10 मिनट, 10 मिनट्स इनफ है, आप फ्रीज़र में रख दें और बस ये रेडी है। और होता क्या है ना, वैसे तो हम नॉर्मली प्लेन खजूर ही खाते हैं, बट जब गेस्ट आते हैं तो हम कोशिश करते हैं चीज़ें और भी अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि टेस्ट टेस्ट अगर खाने का अच्छा है वो तो सही है, बट अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है ना तो खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँ। अभी जहाँ मेरा खजूर तो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, और साथ ही मैंने सोचा कि चलो आज मैं जूस भी पहले से निकाल करके रख लेती हूँ ताकि ये लेट ना हो जाए। और यहाँ मैं अभी ऑरेंज का जूस निकाल रही हूँ फटाफट, और ये बस कंप्लीट हो जाए तो मेरा फिर एक आधा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जूस मैं हमेशा सोचती हूँ कि लास्ट में निकालूँगी, और लास्ट का सोचते सोचते मैं जूस निकाल ही नहीं पाती क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। यहाँ मैंने अभी बिरयानी के लिए 1/2 kg राइस और थोड़ा सा सौंफ और दालचीनी और नमक डाल करके मैंने बॉइलिंग पे रख दिया है, और साथ ही मैंने बड़ा भी निकाल लिया फ्रीज़र से, और इसे मैं अभी गर्म पानी में डाल करके इसे सॉफ्ट होने तक के रख दूँगी। और इसमें अगर आपके पास नमक है तो नमक डाल दें, और चाट मसाला है तो चाट मसाला, क्योंकि जब बड़े के अंदर पानी जाएगा ना तो अच्छा सा फ्लेवर आता है बाद में। तो बस अभी मैं ये चीज़ें कम्प्लीट कर लेती हूँ और फिर थर्ड काम में मैं लग जाती हूँ। ये भी एक मेरा चटनी है जो कि पुदीना और धनिया का चटनी है, इसे भी मैं फ्रोज़न करके ही रखती हूँ। तो जब भी दिल करे आप निकालें, थोड़ा सा 1/2 आवर्स तक की आप इसे मेल्ट होने तक की रख दें, और उसके बाद आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा एक साइड राइस भी बॉयल हो रहा है और एक साइड मैंने छोले भी बनाने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तो मेरा बस जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो जाए काम, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ 4:30 हो गया है। स्टार्ट किया था मैंने 2:30 से, अभी 4:30 हो गया है और अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे बनाना बाकी है। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, और चिकन इसलिए क्योंकि मैं बिरयानी कई तरीके से बनाती हूँ, तो ये सबसे इजी और शॉर्ट फॉर्म की बिरयानी है जिसको मैं बनाना पसंद करती हूँ। जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि टेस्टी और जल्दी जल्दी चीज़ें बनने वाली चीज़ें हो जाए। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं पनीर के क्यूब्स भी कट कर ले रही हूँ।
ताकि ये सब चीज़ें मैं पहले से कट करके साइड रख लूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा राइस ऑलमोस्ट ये हाफ़ 1/3 गल चुका है, और इससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं गला है, अदरवाइज़ बिरयानी में राइस पूरी तरीके से एक हलवा बन जाएगा। और यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो चुका था, और मैंने इसमें फिर प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद चिकन डाल दिया। अब इसे भी मैं थोड़े अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और बस अभी इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के समथिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और इसे अभी अच्छे तरीके से भुनेंगे हम। तो एक साइड तो चिकन बन रहा है, और अभी मैं यहाँ पफ पेस्ट्री बनाने जा रही हूँ, जो कि हमारे साइड तो इसे पेटिस बोला जाता है, और ये कई सारे फ्लेवर में वहाँ अवेलेबल होते हैं, वेज पेटिस और चिकन पेटिस, मतलब जो भी आपकी मर्ज़ी हो बना लें। तो ये जो है ये मैं चॉकलेट पफ पेस्ट्री पफ बनाने जा रही हूँ। वैसे बहुत इजी और अच्छी रेसिपी होती है ये, इसमें कुछ भी तामझाम नहीं होता। आजकल तो पेस्ट्री सीड्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो बस अगर आपके पास, अगर आपके आसपास कोई भी शॉप है अगर वहाँ अवेलेबल है, तो आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पेट में चॉकलेट और कुछ फ्रूट्स जो अवेलेबल थे मैंने मेरे पास उसे यूज़ किया है। बस इसे ऐड करना है, चारों तरफ से इसे पॉकेट शेप देना है। वैसे कई सारे शेप्स के आते हैं और बनते हैं, तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा इजी है, तो बस इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसे फिर 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे मैंने अभी रख दिया है, और ये ऑलमोस्ट जल्दी से बन जाता है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, वैसे तो एग लगाते हैं बट मैंने बटर लगाया है। और ये जो है ना गरम मसाला मैं बना के वैसे तो पहले ही रख लेती हूँ अपने पास, बट अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी बना लेना सही रहेगा। और ये मेरा बहुत छोटा सा क्यूट सा एक ग्राइंडर है, जो कि बहुत प्यारा दिखता है, बहुत ज़्यादा हैंडी है, कहीं भी कभी भी आप ले जा सकते हैं। और वैसे इसमें कॉफ़ी और मसाला बहुत आसानी से पीस जाता है, तो ये देखिए बहुत आसानी से पीस गया और बहुत फास्ट होता है इसका काम। तो ये अभी मैं कंप्लीट कर लूँ, और इसके साथ मैंने इलायची का पाउडर और ये गरम मसाला जो है वो मिक्स करके मैंने पाउडर बना कर के रख लिया है। ये देख सकते हैं कि चिकन मेरा ऑलमोस्ट बहुत प्यारा कलर आ गया था। तो इसमें अभी मैंने ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला है, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। और आलू जो है मैंने अभी डाला है, क्योंकि आप चाहे तो इसे पहले से आप इसे अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं और उबाल करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने इस टाइम पर डाला क्योंकि मैं फिर इसको फ्राई करना भूल गई थी और उबाला ही नहीं था मैंने, तो बस इसको भी इसके साथ डाल दिया है ताकि ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। और अभी जो मैंने मिक्स मसाला जो मैंने पाउडर बनाया था उसे भी मैंने अभी 1 टेबल स्पून के समथिंग इसमें ऐड किया है, तो बस इसे अच्छे तरीके से ऐड करना है। और आपके पास अगर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है तो उसे भी ऐड करें और अच्छे तरीके से इसे फिर गलने दें। और यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कर्ड डाला है, और कर्ड डालने के बाद कंटिन्यू से आप चलाते रहें, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो इसका फ्लेवर चेंज आ जाएगा और जो कि अच्छा नहीं आता। और ये ऑलमोस्ट लोग गलती करते हैं, कर्ड डालने के बाद इसे कवर करके रख देते हैं, बट ये बिल्कुल ना करें, इसे कंटिन्यू चलाते रहें 5 मिनट तक की। और बस
ये अभी रेडी हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास बिरयानी मसाला अवेलेबल है तो आप उसे भी ऐड करें ताकि अच्छा फ्लेवर आए। तो मेरे पास बिरयानी मसाला भी अवेलेबल था तो मैंने वो ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़े से कवर करके 5 to 10 मिनट्स में रख दूँगी। सो फाइनली चिकन जो है ना वो रेडी हो चुका है, और यहाँ हम अभी बिरयानी के लिए लेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पहले हमने राइस रखा है उसके बाद मैंने चिकन डाला है, उसके बाद ऊपर से मैंने इलायची पाउडर डाला है, देन उसके बाद कोरिएंडर पाउडर कोरिएंडर लीव डाला है। यही प्रोसेसर आपको सेकेंड स्टेप पे भी करना है, और सेम चीज़ आपको करना है, देख सकते हैं आप। तो ये जो वाइट है ये दही है, और दही जो है ना ये ऑप्शनल होता है, हमें पसंद है इसलिए हम दही ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, अदरवाइज़ जिसको पसंद नहीं है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टमाटर और लेमन मैंने स्लाइस करके डाला है, क्योंकि मुझे टमाटर पसंद है इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है डालना, तो आपकी मर्ज़ी है, पर लेमन ज़रूर डालें क्योंकि लेमन से एक अच्छा सा अरोमा आता है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। और यहाँ मैंने ऊपर से घी डाल दिया है, और बस अच्छे तरीके से घी डाला, ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबल स्पून घी डालना है। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि हमारा राइस जो होता है ना वो थोड़ा सा टाइट रहता है, इसलिए मैं हमेशा इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क ज़रूर डालती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से दम हो जाए, और बस कवर करके हमें रखना है। सो हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और काफ़ी सब कुछ रेडी हो चुका है, तो आज का ब्लॉग भी यहाँ स्टॉप करती हूँ। दुआ में याद रखें और सेफ रहें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।